बार प्रेयर शुरू करो बेटा। थॉट वन मोस्ट वर्क टाइम एंड नॉट ऑर्गन इट अगेंस्ट इट। टाइम्स मनी। तो टाइम इज अ मनी। टाइम क्या है? एक पैसे के बराबर है। यदि टाइम की हम कीमत नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, उसे वेस्ट करेंगे, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए नहीं। ओके, तो चलो प्रेयर शुरू करो जोहर अब्बास। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। हेलो बॉय, गुड मॉर्निंग। ओके चलो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, किसी को याद है? हेलो बॉयज, हेलो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई का। हमने सार देखा था लेसन का। तो आज हम इस लेसन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे, चलो कौन बताएगा? हेलो बॉयज, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? हेलो, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे बेटा? साइंटिस्ट। यस, वेरी गुड। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो एक बहुत ही हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे। तो आज हम देखते हैं लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है उनके जीवन के बारे में हमें यहाँ पर ध्यान दिया गया है और बताया गया है कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ था, उनका साइंस में क्या क्या योगदान रहा है, उसके माता पिता कौन थे, वो क्या करते थे, और उसने शिक्षा कहाँ पर ली, और वो क्या करते थे, वो सब हमें इस लेसन में बताया गया है। तो देखते हैं अब लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। आप सबको पता होगा कि यदि साइंस ही नहीं होता तो हमें शायद सब हमारा जीवन जो है वो आदि मानव की तरह होता। तो पहले के जमाने में आदि मानव जो है वो बिना लाइट, बिना पानी, बिना खाना, कच्चा फल फ्रूट खा के, सब्जी खा के रहते थे। तो
हमें भी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन अब साइंस के आ जाने से हमारा जीवन एकदम सरल और आसान तो हो गया है और एकदम फुल फैसिलिटी वाला हो गया है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन को सुविधापूर्ण यानी कि सब सुविधा देने वाला कौन है, तो वो है वैज्ञानिक है। तो ऐसे ही वैज्ञानिक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो प्रस्तुत इकाई में हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए, यानी कि हमारा देश सभी क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े उसके लिए किसने काम किए हैं, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। यदि हम भी पूरी तरह से परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे और मेहनत करेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे ना, तब से उसके गुरुदेव कौन थे, रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक जो है वो बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर कौन थे, यदि आपको पूछा जाए तो रविंद्रनाथ ठाकुर कौन थे, तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई के गुरुदेव थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के गुरुदेव ने क्या भविष्यवाणी की थी, तो वो कहेंगे, हम कह सकते हैं कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा बालक, ये बहुत बड़ा यशस्वी और बहुत बड़ा बनेगा। उस बालक ने भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। कर्म यानी काम, अपने कामों से उन्होंने ये भविष्यवाणी जो है वो सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? तो वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट आईएमपी हो सकता है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। यदि आपको पूछा जाए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में, और कौन कौन से दिन हुआ था, तो 12 अगस्त 1919 को उनका जन्म हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति था। कैसा था उनका परिवार, कि एक नामचीन उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई आके 8 भाई बहन थे। यदि आपको पूछा जाए कि उनके पिता और माता का नाम क्या था, तो आपको क्या आंसर देना होगा, कि पिता का नाम अंबालाल था और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे, 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाते हैं। और अब हमें जो किस्सा यहाँ पर बताने वाले हैं, ये किस्से हम सुनकर और समझकर हम समझ सकते हैं कि ये बचपन से ही कितने प्रतिभावान थे और उन्हें सफलता हासिल करने के लिए कितने वो बुलंद इरादे थे। तो देखते हैं अब वो किस्सा। जब विक्रम साराभाई 5-6 साल के थे, कितने थे, कितने छोटे थे वे, 5-6 साल के थे, तो अपने परिवार के साथ वे शिमला गए थे। कहाँ पर गए थे वे, शिमला गए थे। तो शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनके लिए बहुत सारा काम रहता था। तो इसीलिए अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी, पत्र आते थे, क्योंकि पहले के जमाने में क्या, ये व्हाट्सएप, मोबाइल और ये सब नहीं था, वीडियो कॉलिंग,
तो इसलिए किसी को किसी का भी काम हो तो वो एक दूसरे को चिट्ठियां भेज कर ही अपना काम करते थे। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी एक इच्छा हुई कि उनके नाम भी बहुत सारे पत्र आए। इसके लिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखना और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर उन्हें अच्छा भी लगा कि जब वे 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजी करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे, तो उन्हें साहसिक कारनामे बहुत प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उन्हें गहरी दिलचस्पी थी, यानी कि साइंस के प्रति उन्हें बहुत ही गहरी दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर जो डाकघर में उनके पिता के नाम जो डाकिया चिट्ठियां देने आता था, ये देखकर उन्हें भी इच्छा हुई कि मेरे नाम पर भी बहुत सारे ढेरों चिट्ठियां आए। तो उसके पिताजी ने ये देखा कि ये जब चाहता है कि उसके नाम पर भी तो ढेर सारी चिट्ठियां आए, इसलिए उसने अपने ही नाम अपने ही हाथों से चिट्ठियां लेकर अपने पते पर भेज दी। तो ये देखकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और उन्हें हंसी भी आई। क्यों? क्योंकि वो चाहते उसने समझा कि वो एकदम सफलता पाने की इच्छा रखने वाला बालक है। ये देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। जब वे 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे भी प्रिय थे, यानी कि वो साइकिल पर करतब करते, आप सबने देखा है कि कई बार ये कई छोटे छोटे बच्चे इस साइकिल पर करतब करते हैं। आपने देखा होगा कि वो कोई व्यक्ति जो है वो इतना गरीब होता है कि वो कुछ काम नहीं कर सकता, तो उसके पास कोई काम दूसरा ना हो तो कई बार तमे बधाय सांभळ्यो होला, मदारी आवे आवे छे ने, तो एवी ज रीतना एक बीजा पण एवा कोई कુટુંબમાંથી આવતા હોય છે કે જે સમાજમાંથી આવતા હોય છે, જે પોતાના બાળકોને આવા બધા કર્તવ્ય શીખવાડતા હોય છે કે દોરી ઉપર ચાલવાનું, હાથમાં લાકડી લઈ અને દોરી ઊંચી બાંધેલી હોય અને બાળકો છે ને એ દોરી ઉપર ચાલતા હોય છે, અને એવી રીતે એ લોકો અલગ અલગ જાતના કરતબ કરતા હોય છે, ગલોટિયા મારતા હોય છે, જોયું છે તમે લોકોએ ક્યારે? તો એવી રીતે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ જે છે ને, એની સાયકલ ઉપર અલગ અલગ સ્ટંટ કરવા ગમતા હતા, અને એ સ્ટંટ જોઈ અને લોકો તો અચંભિત પામી જતા હતા, એટલા સરસ એ બધાય સ્ટંટ કરતા હતા। તો ઉન્હે સાહસિક કારનામે ભી પ્રિય થે। ગણિત તથા ભૌતિકી કે પ્રતિ ઉન્હે ઉનકી ગહરી દિલચસ્પી થી। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी और सन 1934 से 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की थी। इंटर की पढ़ाई यानी कि 11th 12th। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए और वहां पर उन्होंने बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत लौट आए थे और भारत में उन्हें उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। ये सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए और सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो उन्होंने मैट्रिक यानी कि 10th की परीक्षा 1934 में पास की। 1934 से 1937 तक उन्होंने इंटर की यानी कि 11th 12th पास किया। बाद में वह बीएससी करने के लिए यानी कि कॉलेज करने के लिए वह कहाँ पर जाते हैं ग्रेजुएशन लेने के लिए? वो इंग्लैंड जाते हैं। वहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज में अपनी बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। बाद में वह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद वह भारत लौट आए थे।
और उन्होंने बाद में 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंध। यदि आपको पूछा जाए कि मृणालिनी स्वामीनाथन जो थी वो कौन थी, तो वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी थी। यदि ये से पूछा जाए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था और कौन से साल में उनका विवाह हुआ था, तो सन 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ वो विवाह सूत्र में बंधे थे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कोस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1946 में पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। बाद में वो जो देखो यहाँ पर वे 1937 में वो इंग्लैंड चले गए और 1940 में उन्होंने बीएससी की एग्जाम पास कर ली। बाद में वो इंडिया में आ जाते हैं। उसके बाद वो 1947 में फिर से इंग्लैंड जाकर वहां पर कैम्ब्रिज में उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की। पीएचडी की डिग्री यानी क्या? कोई ऐसा एक सब्जेक्ट जिसमें वो मास्टर हो। तो उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो उनके लिए उन्हें पहले ग्रेजुएशन प्राप्त करना होगा। 11th 12th को पास तो करना ही होगा, साथ में ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, और उसके बाद ही और एक डिग्री होती है, उसके बाद उसे पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो पीएचडी करने के बाद उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। डॉक्टर यानी कि दवाई देने वाले डॉक्टर को ही डॉक्टर नहीं बोला जाता, लेकिन जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उन सबको क्या बोला जाता है? उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। और यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त तथा अनुकूल होगी। यानी कि पृथ्वी पर जो सूर्य के किरणें आती है उनके ऊपर प्रयोग करने थे। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की, यानी कि लेस नाम की एक प्रयोगशाला स्थापना की थी। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित हुई। यानी कि ये गुलमर्ग में तो भारत सरकार ने ये प्रयोगशाला स्थापित की थी, यानी कि साइंस लैब, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने खुद के प्रयासों से कहाँ पर प्रयोगशाला स्थापित की? तो वह उसमें अहमदाबाद में, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। यानी कि वह उनसे पूरे जहां तक वह जिंदा रहे तब तक वे उस प्रयोगशाला से जुड़े रहे थे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वे कार्य करते रहे। तो ये सब पहले तो क्या किया उन्होंने कि अहमदाबाद में एक उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की। जो देखो यहाँ से हम देखते हैं, देखो यहाँ पर भारत सरकार ने गुलमर्ग में एक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस प्रयोगशाला स्थापित की। और यहाँ से देखो डॉक्टर विक्रम भाई ने
अपने प्रयासों से प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की और जिनके साथ वह पूरी जन्म तक जुड़े रहे थे। साथ ही उन्होंने क्या किया, देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की भी आधारशिला रखी, यानी कि काम किया वहां पर उन्होंने। इसके बाद अब भौतिक अनुसंधान यानी कि और शोध खोल के लिए अवकाश में उन्होंने परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकर्ण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा आदि पर वह कार्य करते रहे थे। तो सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य भी बन गए थे और बाद में डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया था। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, यानी कि संशोधन का केंद्र बनाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने और डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वह उनके वहां के अध्यक्ष बने। कब बने कि डॉक्टर होमी भाभा जो है उसकी मृत्यु हो गई, बाद में परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार जो है वो सारा भार किसके कंधों पर आ गया, डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है उन्होंने एक संशोधन केंद्र बनाया और वहां के वो पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है, यानी कि ये उनकी आगेवानी और मेहनत में परिणाम हेतु भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। यानी कि उन्होंने ऐसे ऐसे अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े थे जिनसे दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विभाग यानी कि आप सबको पता होगा कि दूरसंचार यानी कि टेलीफोन, दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन और मौसम विज्ञान यानी कि आप सब देखते होंगे कि न्यूज में हर बार मौसम के बारे में जानकारी मिलती है कि ये शहर का इतना तापमान रहेगा, यहाँ पर इतनी बारिश होगी, यहाँ आज ऐसा तापमान रहा, ऐसा वातावरण रहा, यहाँ पर आज सुनामी आएगी और यहाँ पर बहुत ज्यादा हवाएं आएगी। तो ये सब मौसम का विज्ञान जो है वो जानने के लिए उन्होंने उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े थे और वह सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था, यानी कि भारत देश विज्ञान में सबसे आगे बढ़े इसके विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो भारत देश को समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए थे और सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। तो ये सब जो हमें पुरस्कार बताए गए हैं, तो वो पुरस्कार व्यक्ति को कब दिए जाते हैं आप सबको पता है? हेलो बॉयज, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पद्म भूषण, पद्म भूषण, मरणोत्तर पद्म भूषण, तो ये जो है पुरस्कार वो क्यों दिए जाते हैं पता है आपको? पद्म भूषण जो ये पुरस्कार जो है वो किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर के लिए
उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान करने पर उन्हें मिलती है, यानी कि ये सरकारी कर्मचारियों को उनकी दी गई सेवा पर उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। और मरणोत्तर पद्म विभूषण यानी कि ये पुरस्कार जो है वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट तथा उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। और ये भी सरकारी कर्मचारियों में की द्वारा की गई सेवा में भी ये भी शामिल होता है। तो ये दोनों पुरस्कार जो है वो अच्छे से अच्छे सरकारी कर्मचारी जो है जिनका काम बहुत अच्छा रहा हो, देश के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हो, तो ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार मिलते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य बनाए गए और 1968 में वे संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विभाग में अध्यक्ष भी रह गए और उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया था। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को सन 1970 में वियना शांति अंतरराष्ट्रीय अनुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए और सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में उन्हें विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। वह उच्च कोटि के यस बेटा वह उच्च कोटि के केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद वे कला, शिक्षण, समाज आदि के लिए काम करते थे और उनके लिए वह समय भी निकालते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई है। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य भी करते हैं। तो वह 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी जब डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन यानी कि थुम्बा में निरीक्षण के लिए भेजा गया था। तब वहां पर उन्हें एक होटल में ठहराया गया था और वहां पर ही उनकी हृदय की गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनको हार्ट अटैक आ गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाने से हमारे समाज यानी कि हमारे देश में विज्ञान से जुड़े नए नए जो शोधखोल थी संशोधन थी वो यदि उसका जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया था। तो ऐसी महान प्रतिभा को हम शत प्रणाम करते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था? हेलो, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1912 को। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 21 दिसंबर 1971 को। तो ये दोनों तारीखें आपको याद रखनी है, ठीक है बॉयज? सबको ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया बेटा? एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। तो चलो, आज हम इस लेसन को हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन को हाँ बेटा स्कूल कब स्टार्ट होंगी? शायद 2 सितंबर से बेटा। अभी मैसेज वायरल हो रहे हैं लेकिन पता नहीं है। पक्का हम स्कूल से मैसेज भेज देंगे, ओके? पक्का मैसेज जब आएगा ना तो आप सबको पहले बताएंगे, ओके बॉयज? समझ में आया सबको? यस। ओके, तो चलो आप सबको ये लेसन जो है वो अभी एक बार रीड करना है। जब आप इसे रीड करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है उसमें थोड़े हार्ड वर्ड्स है। तो यदि ये हार्ड वर्ड्स आपको समझ में ना आते हो तो आप टिक करके आना,
कि इसका मीनिंग क्या होता है, ओके? तो बाद में हम इसको समझ लेंगे। समझ में आया सबको? बॉयज, इस लेसन में ऐसे बहुत सारे हार्ड वर्ड्स है, जो ये हार्ड वर्ड्स है उसे आपको जो भी हार्ड वर्ड समझ में ना आता हो उसके नीचे अंडरलाइन करके आना या तो लिख कर लाना, ताकि सबको इसका मीनिंग समझ में आ सके। ओके बॉयज, ओके, समझाए छे के नहीं? कोई जवाब केम नहीं आप तो बेटा? यस ओ यस